माँ जी पूछिए ना इसे, ये चुप क्यों है? दादी वो रहने दीजिए माँ, मैं बताता हूँ दरअसल हुआ क्या है। वो एक्चुअली एक्चुअली रीति को एक नई अलमारी चाहिए थी, तो मैंने उसे परमिशन दे दी। टेढ़ापन कैसे आ गया? ये क्या कह रहा है विभोर? मनचले का सौदा हो गया ये तो, जिसके जो जी में आए वही खरीद के ले आए। अरे तू तो जानता है ना, इस घर में कोई भी नई चीज खरीदने से पहले पूरे घर में सलाह मशवरा होता है, उसके बाद दिन वार तिथि देखी जाती है, शुभ घड़ी देखी जाती है, और सबसे बड़ी बात कोई भी नई चीज खरीदने के लिए थारे दादाजी अपने हाथों से पैसा देते। घर के रीति रिवाज नियम सब भूल गया तू? कैसे तूने अपने मन से परिवार के पैसे से रीति बहू के लिए नई अलमारी मंगवा ली, किसी से पूछा भी नहीं? सॉरी दादी, लेकिन कोई इंसान किसी माहौल में नया नया आए और एक ही दिन में सब कुछ समझ जाए, ये तो आसान नहीं है ना। मैं खुद रीति की तरफ से आप सबसे माफी मांगता हूं। लेकिन इसमें रीति की कोई गलती नहीं है। अब वो इतने बड़े घर से आई है, उसे आदत है अपने अकेले के बेड पे सोने की, अपने पूरे की अकेली अलमारी। यहाँ पे कितना एडजस्ट कर रही है बेचारी। जाने दीजिए, माफ कर दीजिए इसे।